हेलो एवरीवन, दिस इज अंकुरन। आज से हम लोग सुप्रीम कोर्ट के जो इम्पोर्टेंट जजमेंट्स हैं उसको डिस्कस करेंगे। देखिए, जुडिशियल सर्विसेज की जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है, स्पेशली मेंस में, कि जब वो मेंस का आंसर लिख रहे होते हैं और उसमें अगर वो कोई रीसेंट जजमेंट से अपने आंसर को सपोर्ट करते हैं, कोई रीसेंट जजमेंट मेंशन करते हैं, तो वो उनके लिए एक एज होता है, उससे उनके कुछ मार्क्स बढ़ने की पॉसिबिलिटीज जरूर होती हैं। तो यहाँ पे हम हर मंथ का जो टॉप 10 जजमेंट्स है कोर्ट का, वो सुप्रीम कोर्ट का स्पेशली, उसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आइए आज हम जून का जो है, जून 2020 का, उसको डिस्कस करते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहले है ओमवीर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। ये सीआरपीसी से रिलेटेड है। यहाँ कहा गया है कि 157 के अंदर जो पुलिस ऑफिसर को रिपोर्ट भेजनी होती है मजिस्ट्रेट को, अगर वो भेजने में डिले हो जाता है तो ये कोई ग्राउंड नहीं है कि एक्यूज्ड को एक्विट कर दिया जाए। मतलब एक्यूज्ड इस बात का प्ली नहीं ले सकता है कि यहाँ पे एफआईआर मजिस्ट्रेट को सेंड करने में डिले हो गया था, ये कोई ग्राउंड नहीं है एक्विटल का। सेकेंड केस देखिए, प्रभाकर मलिक वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा का है। ये इम्पोर्टेंट केस है रिजर्वेशन के ऊपर, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर। इसमें देखिए, आर्टिकल 16 से रिलेटेड ये केस है, जहां पे कोर्ट ने प्रमोशन में रिजर्वेशन देने से मना कर दिया है विदाउट एग्जामिनेशन ऑफ एडिक्वेसी ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन प्रमोशनल पोस्ट। आपके पास एडिक्वेट डेटा होने चाहिए तभी प्रमोशन में रिजर्वेशन मिलेगा। एक्चुअली इस केस में एम नागराज का जो 2006 का जजमेंट था उसको यहाँ पे कोर्ट ने फॉलो किया है, तो इसको आप ध्यान से देखें। ये रिजर्वेशन के ऊपर एक इम्पोर्टेंट जजमेंट है। इसके बाद देखिए, नमा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें एक पिटीशन डाली गई थी कि जो हमारे देश का नाम इंडिया है उसको चेंज करके भारत कर दिया जाए, तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे मना कर दिया कि वो इससे रिलेटेड अमेंडमेंट के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में कोई डायरेक्शन नहीं दे सकती है। और जहां तक भारत नाम का सवाल है, भारत ऑलरेडी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, तो इसलिए यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने इसमें मना कर दिया था। इसके बाद देखिए, डीएमके वाई को तमिलनाडु कांग्रेस कमिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट का। ये भी रिजर्वेशन से रिलेटेड है कि जो रिजर्वेशन का राइट है ये कोई फंडामेंटल राइट नहीं है, और इससे रिलेटेड अगर कोई वायलेशन होता है तो आर्टिकल 32 के अंदर आप सुप्रीम कोर्ट नहीं आ सकते हैं, क्योंकि 32 के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट के पास में कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज देने का पावर है वो तब है जब आपका कोई फंडामेंटल राइट वायलेट होता हो। तो अगर रिजर्वेशन फंडामेंटल राइट है ही नहीं तो आप आर्टिकल 32 के अंदर सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। हाँ, आप इसकी वायलेशन के लिए हाई कोर्ट जो है वो जा सकते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कहा है। इसके बाद देखिए, शक्ति भोग फूड इंडस्ट्रीज लिमिटेड वर्सेज सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का केस है। ये लिमिटेशन से रिलेटेड केस है। आर्टिकल 113 जो लिमिटेशन एक्ट का है उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन है वो तभी शुरू हो जाता है व्हेन द राइट टू सू अक्रूज, ना कि तब जब वो फर्स्ट अक्रूज होता है, तब वो शुरू नहीं होता है। लिमिट पीरियड ऑफ लिमिटेशन तभी शुरू हो जाएगा व्हेन द राइट टू सू अराइजेस। उसके बाद देखिए, गुरु नानक इंडस्ट्री वर्सेज अमर सिंह है। ये पार्टनरशिप से रिलेटेड इम्पोर्टेंट जजमेंट है कि अगर किसी फॉर्म को दो पार्टनर से मिलकर बनाया है या किसी फॉर्म में दो ही पार्टनर हैं और उसमें से एक जो है वो रिटायर होना चाहता है तो इट अमाउंट्स टू डिसोल्यूशन ऑफ द फॉर्म डिसॉल्व हो जाएगा, सिर्फ एक जो है वो उसको कंटिन्यू नहीं कर सकता है। इसके बाद देखिए, हमारा है स्टेट ऑफ तेलंगाना वर्सेस बोले बक्का प्रवीण। यहाँ पे ये पॉक्सो से रिलेटेड है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012। इसमें डेथ सेंटेंस जो है वो ऐड किया गया था आपका 6 अगस्त 2019 को, और इस केस में जो ऑफेंस हुआ था वो 19 जून 2019 हुआ था, लगभग दो महीने पहले। तो यहाँ पे कोर्ट ने इसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट अप्लाई करने से मना कर दिया है कि अक्यूज्ड को डेथ सेंटेंस दिया जाए। इसके बाद देखिए, सोमा सुंदरम वर्सेस द स्टेट रिप्रेजेंटेड बाय डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस। ये एक इम्पोर्टेंट केस है एविडेंस एक्ट के ऊपर, जो 133 है एविडेंस एक्ट का, जो एक कंप्लीज की बात करता है। और कोर्ट ने कहा है कि अगर एक कंप्लीज की टेस्टिमनी अनकोरोबोरेटेड है, उसको अदर एविडेंसेस के साथ कोरोबोरेट नहीं किया गया है, तो सिर्फ और सिर्फ उसके बेसिस पे एक्यूज्ड को कन्विक्ट नहीं किया जा सकता है। ये एविडेंस एक्ट में एक कंपनी के ऊपर एक इम्पोर्टेंट जजमेंट है। उसके बाद देखिए, भगवत सरन वर्सेस पुरुषोत्तम। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि
देखिए क्या होता है कि ज्वाइंट हिंदू फैमिली का प्रिजम्पशन रेज नहीं किया जाता है, इसीलिए अगर कोई कहता है कि कोई प्रॉपर्टी ज्वाइंट प्रॉपर्टी है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की, तो बर्डन ऑफ प्रूफ भी उसके ऊपर ही होगा कि वो ये प्रूफ करे कि वो प्रॉपर्टी ज्वाइंट प्रॉपर्टी है। इसके बाद देखिए यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस आर थिंग्या राजन, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आर्टिकल 226 के अंदर हाई कोर्ट का जो टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन होता है वो उसके बाहर नहीं जा सकती, जिस ज्यूरिडिक्शन में वो हाई कोर्ट है सिर्फ उतने दूर में ही वो अपना ज्यूरिडिक्शन अप्लाई कर सकता है। इन सब के अलावा देखिए एनरिका लैक्सी एक केस है, ये तो सुप्रीम कोर्ट का नहीं है लेकिन जून के में ये एक इम्पोर्टेंट जजमेंट है क्योंकि इंडिया के फेवर में ये जजमेंट आया है, इंटरनेशनल लॉ से रिलेटेड है। यहाँ पे परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने कहा है कि इटली ने यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन फॉर द लॉ ऑफ सी का आर्टिकल 87 का पैरा 1 और आर्टिकल 90 को वायलेट किया है और इंडिया की प्रॉपर्टी को डैमेज किया है, साथ ही साथ उसपे जो सेंट एंटनी बोट था उसको भी डैमेज किया है और जो कैप्टन और क्रू मेंबर्स हैं उनको जो हार्म दिए हैं उसके लिए इटली लाइबल है कि वो इंडिया को कंपेंसेशन दे और इंडिया जो है वो कंपेंसेशन ले सकता है इटली से। ये पूरा का पूरा जो केस है ये मरीन लॉ से रिलेटेड है, पहले ये केरला हाई कोर्ट में गया था, उसके बाद इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ सी में गया और फाइनली परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने इसको डिसाइड किया है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट केस है। आज के लिए इतना ही, फिर हम जुलाई 2020 के टॉप जजमेंट्स को लेकर के यहाँ पर आएंगे। थैंक यू।